कोरोना महामारी में जहां कई व्यक्ति आमजन की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कालाबाजारी कर रहे हैं, तो वहीं भीलवाड़ा शहर के सिंधु नगर में स्थित गुरुद्वारे में वाजिब दाम में दवाइयां और मास्क वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां से जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। गुरुद्वारे द्वारा गरीब और दिहाड़ी मजदूरों को भी राशन सामग्री दी जा रही है। गुरुद्वारे में सिख समाज द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। कोरोना महामारी में जहाँ लोगों ने आपदाओं को अवसर बना रखा है, इस कोरोना काल में भी महामारी में भी लोग बाग जो कालाबाजारी से नहीं चूक रहे हैं, लोगों का शोषण करने से नहीं चूक रहे हैं, आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस समय एक समाज सामने आया और उन्होंने जन भावना को देखते हुए सेवा, जन भावनाओं की सेवा करते हुए लोगों की सेवा का प्रण लिया है, ऐसे ही हमारे साथ सिख समाज है जिन्होंने इस समय जो कालाबाजारी हो रही है बाजार में मेडिकल को लेके, दवाइयों को लेके, उपकरणों को लेके, वो सामने आया और उन्होंने एक प्रण लिया है कि हम जो रेट टू रेट सामान आ रहा है वो रेट टू रेट बेचेंगे, कोई मुनाफा नहीं लेंगे। हमारे साथ में ये सिख समाज के जो हमारे समाज सेवी हैं गुरप्रीत सिंह जी से उनसे बात करते हैं कि उनकी ये भावना कैसे आई और इस कोरोना महामारी में उन्होंने रेट टू रेट बेचने का काम कैसे किया। तो गुरप्रीत सिंह जी, आपके मन में ये भावना कैसे जागृत हुई कि हमें इसको, इस काम को करना चाहिए? सर, भावना तो ऐसा है सर, बस खुद इस चीज़ से पीड़ित थे क्योंकि जब अभी कोरोना का सेकंड लहर चली थी, काफ़ी परिवार इसमें आहत हुए थे, सब समाज से हुए थे, हमारे भी काफ़ी कम्युनिटी काफ़ी आहत हुई थी। तो हम भी जानते हैं कि इनकी रियल कॉस्टिंग क्या होती है, करीब करीब सब जानते हैं, बट मेडिकल स्टोर्स पे जो N95 मास्क सब 40 से 50 रुपये का बिक रहा है, वो पहले हम 15 रुपये का प्रोवाइड करा रहे थे, आज वो हम 12 रुपये का देने के हो चुके हैं। मतलब इतना इन लोगों ने मार्जिन वगैरह ले रखा है, उनसे उनसे बोलते भी थे तो कहते थे पीछे से महंगा आ रहा है। ठीक है, सबकी मजबूरियाँ हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सबको मालूम था। अब जो सैनिटाइज की बोतलें 50-50 में मिल रही थी, आज वो हम 25 रुपये में दे रहे हैं। तो सब कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास आदमी पहले जिनके काम धंधे भर रहे हैं वो बहुत आहत हुआ हुआ, और जो आज 300-400 का आइटम लेता है उसको अगर 400 रुपये का आइटम दूसरों में मिल रहा है तो उसको लिए बहुत बड़ी रिलीफ है। और आप जो इन सामानों के साथ क्या क्या सामान दे रहे हैं? जैसे सर, एक तो सैनिटाइज दे रहे हैं, N95 मास्क दे रहे हैं, पीपी शील्ड दे रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में या बाजार में कहीं भी 600-500 रुपये की बिक रही है वो हम मात्र 200 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वार्ड में जो उनके परिवारजन उनको मिलने जाते हैं तो एक बार में 500-600 रुपये लग रहे हैं, तो वो ही चीज़ हम उनको 200 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं। फेस शील्ड है वो 25 रुपये की है, और उसके अलावा सर्जिकल मास्क है जो बाज़ार में 5-10 रुपये का बिक रहा है, शायद हम वो 2 रुपये में दे रहे हैं। सिख समाज की ये पहल एक अनुकरणीय पहल है जिन्होंने समाज को लेकर एक बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने आपदा को अवसर में नहीं मानते हुए सेवा का काम किया है। जैसे ये फेस शील्ड रेट टू रेट दे रहे हैं, सैनिटाइज दे रहे हैं, और ये सैनिटाइज की जो बोतल है 5 लीटर 350 रुपये की आ रही है, सर्जिकल मास्क जो है मात्र बहुत कम रेट में दे रहे हैं, हैंड ग्लव्स दे रहे हैं, पीपी किट जो बाज़ार में 800 रुपये में बिक रहा है ये मात्र 200 रुपये में दे रहे हैं, ऑक्सीमीटर की रेट जो बाज़ार में इस समय 1500 से 2000 रुपये की रेट है ये मात्र 250 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे समाज को हमेशा हम सल्यूट करते हैं जिन्होंने इस समय महामारी के समय भी एक सेवा का भाव जागृत किया है। कैमरा पर्सन गोविंद पायक के साथ योगेश शर्मा, A1 TV भीलवाड़ा।